गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू यू ऑल आर डूइंग गुड माइंड में धनुष मोकाशी एंड स्वागत है आप सबका आज की ताजा खबर में तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत तो सबसे पहले न्यूज इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी सेक्शन हम बात करेंगे अबाउट जापान तो जापान की जो इकोनॉमी है

Uh, इनका जो Q4 का GDP डी uh, ग्रोथ था तो बेसिकली वो था 0.4 पॉइंट फोर परसेंट निगेटिव जीडीपी ग्रोथ ऑन एन्युअलाइज बेसिस एंड वही नंबर फॉर Q3 तो वो था एट 3.3 परसेंट का कॉन्ट्रेक्शन एंड इसी के चलते नाउ जापान इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड जर्मनी इज न थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो यहाँ पे एक थोड़ा रैंकिंग में भी यहाँ पे शिफ्ट आया है नब अगर हम होल जो पिक्चर है for 2023 का, वो अगर हम देखें तो जापान की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है तो वो रही है फाइव पॉइंट सेवन परसेंट से मतलब uh, की यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रही है एंड द जीडीपी नंबर वॉज फोर पॉइंट टू ट्रिलियन डॉलर एंड जर्मनी का अगर हम नंबर देखें uh, जर, uh, तो जर्मनी का जी डी पी नंबर है फोर पॉइंट फोर सिक्स ट्रिलियन डॉलर बनारस एंड यहाँ पे जर्मनी ने ज्यादा ग्रो किया है बाय सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट से इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री अब यहाँ पे द फन फैक्ट इज बेसिकली जब ये नंबर्स आए तो जो निकाय टू ट्वेंटी फाइव का इंडेक्स है uh, इनका जो बेंच जापान का uh, इंडेक्स है तो वो बढ़ा बाय जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट अप्रोक्सीमेटली एंड एंड इट इज ऑल्सो सरपास इट्स मार्क ऑफ थर्टी एट थाउजेंड जो मॉर्निंग सेशन में एंड uh, and, अब यहाँ पे जो रीडिंग है बेसिकली तो रीडिंग क्या निकल के आ रही कि जो अगर जापान को ग्रो करना है नाउ दे आर टेक्निकली इन टू रिसेशन बट अगर यहाँ से ग्रो करना है जापान को तो जो करंट जो इनके नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अभी चले आ रहे हैं बेसिकली है कर इंटरेस्ट रेट सिनारियो तो वो और भी कंटिन्यू हो सकते हैं ऐसा यहाँ पे रीडिंग सामने निकल के आ रहा है

यहाँ पे भी सेम जापान uh, जैसा ही यहाँ पे uh, है uh, जहाँ पे यूके का जो जीडीपी है तो वो डिक्लाइन हुआ जीरो पॉइंट थ्री परसेंट से इन क्यू फोर एंड जो क्यू uh, थ्री में जो डिक्लाइन दिखा दिखा दो दिस प्रोविजनल नंबर बट जो Q3 में डिक्लाइन दिखाई प्रोविजनलोइंट वन परसेंट नब ये जो डिक्लाइन है तो वो क्यों डिक्लाइन हो रहा है यूके का जीडीपी uh, तो यहाँ पे की रीजन जो सामने आ रहे हैं तो दैट इज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक क्राइसिस वहां पे बना है प्राइमरली बिकॉज ऑफ हाई

it was it was flat at 4% and even in uk the target rate of inflation is 2% Uh, तो अगर यहाँ पे अभी सिनारियो ऐसा हो रहा है कि इन्फ्लेशन इज स्टैगनेट इन्फ्लेशन तो है बट इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग तो ऐसी ऐसे अगर सीनारियो है तो इसको हम कहते हैं स्टैकुलेशन तो करंटली यूके इज गोइंग थ्रू अ स्टैकुलेशन ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट uh, के सामने भी रिपोर्ट्स uh, थ्रू भी यहाँ पे आ रहा है सामने एंड बिकॉज uh, uh, जो सेंट्रल uh, बैंक uh, है यूके uh, तो अगर उनका फोकस तो यही रहेगा कि दे वांट टू फोकस मोर ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल में लाना Inflation जब तक टारगेट रेट तक नहीं आता तो जब तक वो टारगेट रेट तक नहीं आता तब तक वो बी रेट कट के बारे में ना सोचे बट अगर इकोनॉमी को यहां से अगर ग्रो करवाना है राइट फ्रॉम राइट नाउ अगर ग्रो uh, करना है इकोनॉमी को uh, तो इट इज नेसेसरी यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज uh, जैसे जीडीपी नंबर्स का भी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का अगर नेगेटिव में जाना तो ये यही इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करने पड़ सकते हैं uh, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स uh, तो देखना पड़ेगा कि कैसे uh, ये इकोनॉमी uh, को यहाँ से रिवाइव करते हैं uh, आगे जाकर तो वो डिक्लाइन है uh, तो है, तो हुए हैं बाई जीरोन स्पेशली जो एंड जो एक्सपेक्टेड नंबर था तो वो था जीरो पॉइंट वन परसेंट के डिक्लाइन का सो द नंबर एंड uh, यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हो कि uh, कहाँ कहाँ पे uh, ये ज्यादा uh, डिक्लाइन दिखा है तो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे वीकनेस uh, दिखा है स्पेशली अगर आप बिल्डिंग मटेरियल एंड गार्डन इक्विपमेंट देखो तो वो फोर पॉइंट वन परसेंट से डिक्लाइन हुआ है एक्सेप्ट uh, जो फर्नीचर एंड फर्निशिंग स्टोर है तो वहाँ पे वन की ग्रोथ दिखी है एंड uh, ये ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली इन टू यूएस हमने यूके के भी अभी बात की तो ओवरऑल रिटेल में भी वहाँ पे थोड़ा प्रेशर है सिमिलरली इंडिया में भी सिमिलर uh, प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड जैसे अभी रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है तो जो ओवरऑल कमेंट्री सामने निकल के आ रही है अबाउट रिटेल सेक्टर तो वो यही है कि रूरल uh, सेक्टर में रूरल uh, इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन uh, की वजह से प्रेशर है द बाइंग पावर इज मच लो एंड uh, आगे जाके ये रिकवरी है तो मे बी क्यू फोर भी सिमिलर हो सकता है क्यू फोर में भी थोड़ा प्रेशर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बट क्यू वन एफ ट्वेंटी फाइव से ये रिकवरी आना एक्सपेक्टेड है आप यहाँ पेटा पे देख सकते हो तो डेटा यही बता रहे की जो ट्रेड डेफिसिट है वो बड़ा है फ्रॉम सेवनटीन पॉइंट जीरो थ्री बिलियन डॉलर टू सेवनटीन पॉइंट फोर नाइन बिलियन डॉलर तक एंड जो एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स भी बड़े हैं 1.12 बिलियन डॉलर्स है, है वैर जो इंपोर्ट्स है तो वो ज्यादा बड़े हैं बाई वन पॉइंट फाइव एट बिलियन डॉलर से uh, जबकि यहाँ पे जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी है तो उन्होंने कहा है कि ये जो ओवरऑल ग्रोथ दिखी है इन दी एक्सपोर्ट दिस इज डिस्पाइट जो ओवरऑल रेड सी क्राइसिस था देन जो कंटिन्यूड एक रिसेशन uh, दिखा है इन दी एडवांस्ड नेशनस एंड जो कमोडिटी प्राइसिस में भी थोड़ा थोड़ी बहुत गिरावट दिखी है तो डिस्पाइट ऑल दीज इशूज यहाँ पे uh, इंडिया ने एक अच्छी खासी मर्चेंटाइस एक्सपोर्ट ग्रोथ क्लॉक की है तो ही इज बेसिकली इंडिकेटिंग टू दि वॉल्यूम ग्रोथ uh, uh, यहाँ पे एंड ओवरऑल इन्होंने ये भी कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ग्लोबल तो इसी के चलते जो ग्लोबल सिचुएशन है दैट इज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक बट इंस्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू शो सपोर्ट टू द एक्सपोर्टर्स सो दैट और भी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ आ सके अब हम बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ तो अगली न्यूज है अबाउट डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के बारे में तो कुछ डेटा है यहाँ पे तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड बाय डोमेस्टिक एयरलाइंस है इस, इस, इसका जो नंबर है तो दैट इज इंक्रीज फ्रॉम वन ट्वेंटी फाइव टू वन थर्टी पॉइंट थ्री जीरो लैक ऑन अ वाई वाई बेसिस एंड ये जो ग्रोथ आई है दैट दिस ग्रोथ इज रफली फोर ये वाई वाई ग्रोथ है अब ये जो ग्रोथ है दैट दिस नंबर इज जस्ट इन सिंगल डिजिट वेर एज प्रीवियसली ये नंबर डबल डिजिट में भी रहा है एंड यहाँ पे जो बेसिकली ओवरऑल uh, जो रीजन uh, यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इज रफली बेसिकली दी कैंसिलेशन रेट कैंसिलेशन रेट रहा है एट थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट इन जैन ट्वेंटी एंड जो प्राइमरी uh, रीजन रहा है बिहाइंड कैंसिलेशन इज दी वेदर विच इज विच इज की अगर हम बात करें तो मार्केट शेयर uh, में करेंटली इंडिगो ही लीड कर रहा है तो इंडिगो का इंडिगो का ही सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है दो स्लाइड डिप दिखा है इंडिगो के मार्केट शेयर मेंंटली जो मार्केट शेयर है ऑफ इंडिगो दैट इज सटी पॉइंट टू परसेंट फॉलोड बाय एयर इंडिया एयर इंडिया कम्स एट द सेकंड नंबर उनका मार्केट शेयर है 12.2% इन द मंथ ऑफ जन 2024 देन अगली न्यूज़ इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट एसएनपी के एक रिपोर्ट uh, के बारे में एसएनपी के एक रिसर्च के बारे में उन्होंने कहा है कि जो इंडियन बैंक्स हैं तो उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है तो क्रेडिट ग्रोथ एज वेल एज जो मार्जिन इंटरेस्ट मार्जिन तो वो मॉडरेट हो सकते हैं या गिर सकते हैं इन एफ आई ट्वेंटी अब यहाँ पे उनके हिसाब से जो ओवरऑल सिस्टम की जो क्रेडिट ग्रोथ है तो वो डिक्लाइन हो सकती है टू फोर्टीन परसेंट इन एफ आई ट्वेंटी फाइव वर्सेज जो करंट नाइन मंथ एफ आई ट्वेंटी फोर में जो ग्रोथ आई है दैट इज सिक्सटीन परसेंट सो टू परसेंट का एक यहाँ पे वो रिडक्शन देख रहे हैं वेरेज uh, जो मार्जिन है इंटरेस्ट मार्जिन तो वो भी यहाँ पे गिर सकते हैं फ्रॉम थ्री परसेंट करेंटली इन दी करंट फिस्कल ईयर टू टू पॉइंट नाइन परसेंट इन एफ ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पे जो ओवरऑल uh, जो रीजन बताया जा रहा है कि रीजन क्या है बिहाइंड दिस एस्टिमेट ऑफ लोअर क्रेडिट ग्रोथ Uh, तो वो ये कह रहे हैं कि जो फंडिंग कंडीशन है तो वो इम्पैक्ट कर सकती है इस ओवरऑल लोअर क्रेडिट ग्रोथ को बिकॉज करंटली बैंक ज्यादा से ज्यादा डिपोजिट एकट करने की पावर रखता है वही आगे लैंड भी कर सकता है ज्यादा से ज्यादा बिकॉज द मनी क्रिएशन साइकिल स्टार्ट देर एंड यहाँ पे उनके हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो प्रेशर उनपे ज्यादा आ सकता है बिकॉज जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है

Uh, तो रफली थर्टी परसेंट स्टेक वो बाय कर सकते हैं फ्रॉम वर्ल्ड डिज्नी एंड यहाँ पे uh, जो अगर निगोशियेश तो वो अगर uh, आगे बढ़ते हैं बिटवीन रिलायंस एंड जो टाटा प्ले है uh, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वुड बी फर्स्ट कोलेबरेशन ऑफ टाटा ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप तो ये है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रीच है ऑफ जियो सिनेमा तो वो भी बढ़ सकती है ऐसा uh, यहाँ पे uh, सामने आ रहा है सो दिस वॉज इट ये थी आज की ताजा खबर आई होप आपको आज की ताजा खबर अच्छी लगी होगी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच